नमस्कार, हमारे साथ हैं हरियाणा के मंत्री मनीष प्रभु जी। आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ वो करने वाले हैं। मनीष जी, इस क्षेत्र में खासकर वार्ड का चुनाव है, अनुप जी खड़े हैं, काफ़ी उनकी चर्चा है, क्या कुछ ये प्राथमिकताएं होंगी? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जी, सबका साथ सबका विकास जी जी। इसलिए हमारी 3 साल इस 24 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के माने मनोहर लाल जी सरकार के हो जाएंगे जी। और इस 3 साल के अंदर जो हमने हरियाणा की जनता को वायदा किया था सबका साथ सबका विकास, मैं उस इलाके से आया हूँ जहाँ पूरा प्रदेश गाली देता था कि सारा पैसा रोहतक में लग गया, इसलिए रोहतक की जनता ने उसके उस समय के मुख्यमंत्री को चेहरा दिखा दिया कि सारी प्रदेश का विकास करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसलिए पूरी 90 विधानसभा के अंदर आज और इसे गुरुग्राम जहाँ एक आर्थिक हमारा शहर है NCR के साथ लगता हुआ है, इसलिए जब से हमारी सरकार बनी है शायद मैं समझता हूँ 1000-2000 करोड़ की योजना दे दी, और जब से मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं काम चल रहा है, जो बेशक हो ट्रैफिक का हो, ड्रेनों का हो और सुविधाओं का हो, बेशक ऐसी सुविधाएं जो आम आदमी को जी पूरे देश पूरा देश इसके गुरुग्राम की तरफ देखता था, आज गुरुग्राम की दिशा की 3 साल में बदली हो, और आने वाले समय के अंदर नगर निगम के गुरुग्राम में अंदर कमल का फूल, मेयर बैठेगा, कार्यकर्ता बैठेंगे, पार्षद चुनकर जाएंगे, गुरुग्राम के विकास की गति और आगे देंगे। खासकर पानी की समस्याएं रही हैं गुरुग्राम, मैंने कहा पिछले हरियाणा के बने हुए 50 साल हो गए, 50 साल हरियाणा को बने हो गए, 50 साल के अंदर जो भी मुख्यमंत्री हैं अपने क्षेत्र की चिंता करते थे, अपने जिला की चिंता करते, और जिला के साथ अपने बेटे को MP MLA बनाने के, वर्तमान का पहला मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेश की भी जो पानी की चिंता हो, बेशक वो ड्रेन निकासी की चिंता हो या ट्रैफिक की चिंता, ऐसी योजना बनाकर 3 साल के अंदर जमीन में उतारे हैं, और आने वाले समय के अंदर जो योजनाएं नगर निगम को उन्होंने एजेंडा दिया है वो एजेंडा पूरा करें। खासकर कानून व्यवस्था एक समस्याएं रही है, उस पर काफी मेरे मित्र कानून व्यवस्था की आपने जो कहा चिंता है, परंतु जो पिछली सरकारें थी वो जो ताकतवर लोग उस टाइम सत्ता में बैठे थे अपने गुंडों की वजह से लोगों की जबरदस्ती प्रॉपर्टियां खाली कराते थे, वर्तमान की सरकार कभी भी किसी भी साथ जबरदस्ती नहीं करती, कानून की जो घटना करती है उसे तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अनूप जी के बारे में क्या कहेंगे यहाँ? अनूप जी की शुभकामनाएं, यहाँ से जीत कर यहाँ के नगर के जो वोटर है उसको हजारों वोटों से जाकर भेजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो ये थे मनीष जी जो बता रहे थे कि खासकर इस क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं उसको आगे ले जाने की प्राथमिकता हमारी है। कैमरा मैन के साथ मान।